ये वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, जब चिट्टे लिबास में कफन दिया जाएगा, जब गस्साल के सामने बेबस पड़े होंगे। ये महल, ये कोठियां, ये बंगले जिसको सवेर शाम लग के हलाल हराम की तमीज किए बगैर बनाया था। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, मकान बना रहा है, बसेंगे और हिसाब तू जाके देगा। तो ये तो एक रात भी तुझे उस घर के अंदर नहीं रखेंगे कि चलो एक रात मेहमान रख लें। कहते हैं नहीं नहीं, मेहमानों ने भी जाना है, तो जल्दी करो, उसको सुपुर्द कराओ। वो तो तेरा लिबास भी फाड़ के उतारेंगे, खुद गुसल देने के लिए तैयार भी नहीं है, तुझसे खौफ आने लगा है। जांदी वारी डरौना बने होते, हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए आज कितने नहीं तेरे कर दे। आज तो वो तेरे साथ तुझे गुसल देने के लिए आमादा नहीं। औला लका फाओला सुम्मा औला लका फाओला, तेरी खराबी आ पहुंची। हां तेरी खराबी आ पहुंची। अयहसबुल इंसान वन युतरका सुदा, इंसान दुनिया में ये गुमान करता है उसको सुदा छोड़ दिया जाएगा। आज तू मुसलमान है, आज तू शहजादा है, आज तू बादशाह है, आज तू जोरावर है, आज तेरी ताकत के क्या कहने। आज शेरों को तू नचा लेता है, हाथियों को तू बटा लेता है, तेरी सूरत निखरती है, तेरे होंठ गुलाबी हैं और तेरी नरगसी आंखें हैं, तेरे रेशमी बाल हैं और तेरी खूबसूरत रंगत है। तू चाल चलता है तो लगता है कयामत चल रही है। तेरा कदे राना जो है वो सनोबर को शर्माता है। तेरी गुफ्तार के तंतने हैं, जिसने इतनी खूबसूरत शक्ल मां के रहम में बनाई, क्या वो हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान नहीं बना सकता? वो दोबारा इंसान बनाएगा और फिर तुझे अपने हुजूर खड़ा करेगा। और एक हदीस में आता है, अल्लाह बंदे को अपने हुजूर खड़ा करने के बाद अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक पांच सवाल नहीं पूछ लेगा। अन उम्रे ही फी मा अफना हो, उसकी उम्र के बारे में पूछेगा कहां जाया की, उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा जवानी कहां गुजार के आया है, मजनू तो नहीं बना रहा, ख्वाहिशात का असीर तो नहीं हो गया, दीवानों की तरह जिंदगी तो नहीं गुजार के आ गया, तेरी जवानी किसी चौक में तो नहीं गुजरी, तेरी जवानी आवारगी में तो नहीं गुजरी, सारी सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी और गलासतें तो नहीं देखता रहा, तेरी जवानी गुजरी कहां है? अगर कोई जवाब ना हुआ तो फिर क्या जवाब देगा? और वो कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा मालिक मेरी जवानी सजदों में गुजरी, मेरी जवानी कयाम में गुजरी, मेरी जवानी रुकू में गुजरी। जवानों अपनी जिंदगी को मालिक की दहलीज पे ले आओ, जवानी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजरे। अपने दिल का ताल्लुक जोड़ो, इश्क करना है तो फिर आमना के लाल से करो, मोहब्बत का रिश्ता उनसे जोड़ो, ताल्लुक का रब्त उनसे कायम करो, जवानी को दीन की राह पे डालो। अल्लाह अकबर, सुनो मेरे हुजूर का फरमान, आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। फिर फरमाया अश्शाबुत्ताइबु हबीबुल्लाह, जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। आओ अल्लाह के हबीब बन जाओ। जब आप अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के नाम कर देंगे तो फिर वो पूरी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं।